वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम गॉस लॉ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज गॉस लॉ? लुक एट हियर, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस इन विच Q1, Q2 एंड Qn एंड चार्जेस आर सिचुएटेड। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसमें Q1, Q2 और Q1 चार्ज मौजूद है। चलिए, अब इस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा या इससे निकलेगा, तो उसकी अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हाउ विल यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस? तो इस फ्लक्स को जानने के लिए गॉस ने जो है एक बहुत ही सिंपल रूल दिया, और वो रूल क्या कहता है कि आप इस जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उनका एलजेब्रिक सम कर दीजिए। ठीक है, एलजेब्रिक सम करने के बाद उसको जो है इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो फिर अपने पास में ये फ्लक्स आ जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन थी, और ये जो है वो गॉस लॉ है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो है यदि सिंगल चार्ज ही मौजूद हो इसके अंदर, तब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो फिर सिंगल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, तो फिर ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपकी यहाँ से बन जाती है। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक, हाउ विल यू स्टेट गॉस लॉ? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times ऑफ द एलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। जो इस क्लोज्ड सरफेस में चार्ज होता है उसके एलजेब्रिक सम का 1 upon epsilon naught times होता है। तो क्लियर? तो इस तरीके से हम एक सिंपल सी जो है बात है कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है उसका एलजेब्रिक सम कर लीजिए, और उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तब इस क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू दिस सरफेस, वी कैन इजीली फाइंड आउट। क्लियर? तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। नाउ But for single charge, we can say that phi equal q upon epsilon naught for single charge. But हम यहाँ एक बात ये कहने जा रहे हैं कि ये कैसे प्रूव करेंगे कि जो है phi जो होता है वो q upon epsilon naught होता है। Means what is proof of Gauss law? तो Gauss law को प्रूव करने के लिए we consider an imaginary surface. Of spherical surface of radius r. वैसे तो हम इसके लिए कोई भी surface जो है वो imagine कर सकते हैं। The surface can be spherical, cylindrical, कैसे भी जो है surface जो है हम ले सकते हैं ये। तो ये कोई arbitrary surface है। But for convenience, we take spherical surface. So this is a spherical surface of radius r at center O. The charge Q is situated. We take a point P at this surface, at where small area element is ds. But we consider the electric field intensity at P is E. Then we can find out electric flux through this surface by using definition. So first we consider a spherical surface having radius r. Clear? R radius. We take a small area element ds at surface point P having electric field intensity kitni E. Clear? Now the outgoing flux through small area vector ds. By using definition you can write as d phi equal E dot ds. But you have to find out total flux.
टोटल फ्लक्स पासिस थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस, सो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई इक्वल, तो ऑन फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, फाई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, क्लियर। बट हियर फॉर दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी अलोंग रेडियली आउटवर्ड्स, सो वी कैन से दैट हियर ई पैरेलल टू डी एस एंड थीटा इक्वल 0 डिग्री। सो फाई इक्वल ई डी एस कॉस 0, फाई इक्वल कॉस 0 1, फाई इक्वल ई डी एस, दिस इज इक्वेशन 2। बट वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट वी कैन राइट एज ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर। सो वी कैन वैल्यू ऑफ ई वी ई एट नहीं, सो बाई यूजिंग इक्वेशन 2nd and 3rd, फाई इक्वल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इन टू डी एस, वी कैन पुट वैल्यू ऑफ ई हियर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू डी एस, क्लियर। सो देयर इज व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, आपको ये नोट कर लेना है और नोट करने के बाद में जो है यहां पर इसको यहां रिमूव कर देता हूं। सो वी कैन राइट एज फाई इक्वल देयर इज व्हाट क्वांटिटीज आर कांस्टेंट हियर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर वी कैन राइट फाई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, हियर 4 पाई इज कैंसिल आउट विद 4 पाई आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय आर स्क्वायर, सो व्हाट इज रिजल्ट फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, दिस इज इक्वेशन 4। सो हियर इंपॉर्टेंट टर्म इज दिस डी फाई इक्वल ई डॉट डी एस, फ्लक्स पासिस थ्रू दिस एरिया एलिमेंट डी एस, नेक्स्ट यू कैन राइट थीटा इक्वल 0 डिग्री, सो फाई इक्वल ई डी एस, बट वैल्यू ऑफ ई यू कैन राइट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, सो ये स्टेप आपके पास आ जाएगी, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोज सरफेस में जो चार्ज है उस चार्ज को यदि एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की नंबर आ जाती है, मीन्स फ्लक्स आ जाता है, क्लियर। तो अब आप यहां तक इसको नोट कर सकते हैं। नाउ वी टेक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ। नंबर फर्स्ट, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज। गॉस लॉ जो है वो किसी भी तरह की सरफेस के लिए जो है वो लागू हो सकता है, उसमें किसी जो इनक्लोज सरफेस होती है उसकी शेप एंड साइज कैसी भी हो सभी के लिए जो है वो गॉस लॉ एप्लीकेबल है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इन गॉस लॉ द फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ चार्जेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब, सपोज कीजिए कि आपके पास में ये कोई क्लोज सरफेस है, ये चार्ज Q1, Q2 एंड Qn चार्ज मौजूद है, क्लियर। इफ वी चेंज पोजिशन ऑफ दी चार्जेज देन द आउटगोइंग फ्लक्स फाई इक्वल समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
इसका मतलब समेशन क्यू पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही हुआ। इसका मतलब यदि हम चार्ज की पोजिशन चेंज कर दें तो जाने वाले फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब रही बात ये नेक्स्ट कि सपोज कीजिए कि हम इन चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं एक यहाँ इन सबको एक दूसरी जगह जो है लेके आऊँ, तो इस केस में भी समेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट आउट गोइंग फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड द पोजिशन ऑफ चार्जेस, उन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? नो पॉइंट। नंबर थर्ड, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेंड इन द कूलम्स लॉ। क्या मतलब निकला कि ये जो कूलम्स लॉ है ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो है बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है, ये इनवर्स लॉ जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जैसे कूलम्स लॉ एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो कूलम्स लॉ जो है या कोई फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड कर रहा है, तो गॉस लॉ इन ऐसे फील्ड्स के लिए वैलिड होगा। नंबर फोर्थ, इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट और हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन साइट इनक्लोज सरफेस देन द लिंक्ड फ्लक्स विद क्लोज सरफेस विल बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में कोई क्लोज सरफेस है, इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन दिस इनक्लोज सरफेस, सो देयर विल बी समेशन क्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स फ्लक्स विल बी जीरो। सो वी कैन से दैट इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन साइड दिस सरफेस देन देयर विल बी फ्लक्स जीरो। इन अनदर केस, इफ वी टेक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दिस सिचुएशन फाई इक्वल समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर उसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गॉस लॉ के जो है विद रेस्पेक्ट। अब हम एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लें, कौन कौन से जो है फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट क्या कहता है कि गॉस लॉ जो है वो जो है कैसे भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर? नंबर दो, जो है डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज की पोजीशन पे जो है वो जाने वाला फ्लक्स या निकलने वाला फ्लक्स या लिंक्ड फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। नंबर थर्ड, ये ऐसे फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है गॉस लॉ जो फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता हो। क्लियर? नंबर फोर्थ, किसी भी यदि इनक्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं हो या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद हो तो ऐसी सिचुएशन में उसमें जो फ्लक्स होगा उससे रिलेटेड वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। और इसके जस्ट बाद हम आगे जो है वो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि इसके यूज क्या है। क्लियर?